ये जो आज प्रेस वार्ता है ये एक बड़े ही अहम विषय पे है। आज ये खबर आई कि दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश कमेटी में 37 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और उसके बाद जब इस सूची को देखा गया तो पूरे भारत में एक आक्रोश की भावना आई। मेरे हाथ में यह सूची है, ऊपर लिखा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और परमानेंट इनवाइटीज पे मैं आपसे विनती करता हूं कि छठे नंबर पे जो नाम है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। वो नाम है श्री जगदीश टाइटलर। जगदीश टाइटलर का नाम है और इसके साथ जो कवर लेटर है उस पर लिखा है और ये मैं आप सबके समक्ष रख दूं। प्रेस रिलीज, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस बेयरर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर सेल। और फिर एक लाइन और है बाकी जो इन लोगों ने नियुक्त किए हैं पदाधिकारी। कमिटी ऑफ द दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी एज एनक्लोज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट डेटेड 28th of October 2021 साइंड बाय द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। ये जो नई कार्यकारिणी है जो कमिटी बनाई है ये राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के द्वारा बनाई गई है। सोनिया गांधी जी स्वीकृति देती हैं कि जगदीश टाइटलर जैसा व्यक्ति जो कि भारत के आजादी के बाद सबसे बड़ा जो काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पे 1984 के नरसंहार जो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थे उसमें एक आरोपी को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाती है। इसीलिए पूरे देश में आज एक आक्रोश की भावना है और सवाल पूछ रही है जनता। सोनिया गांधी जी ये सत्य है, पहला तथ्य कि 84 के दंगे कराने वाला अगर कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे जगदीश टाइटलर जो आरोपी हैं और सज्जन कुमार जिनको सजा हो चुकी है दिल्ली उच्च न्यायालय से ये लोग थे। आप जो पीड़ित परिवार हैं, हमारे सिख समाज से जो पीड़ित परिवार हैं उनके जख्म नहीं भर पाए, आप उनका दर्द नहीं बांट पाए, उनको इंसाफ भी नहीं दिला पाए, लेकिन उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम अगर किसी ने किया है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये कहना गलत नहीं होगा जिस कांग्रेस के हाथ को आगे बढ़कर अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए था, जो संगीन अपराध में इस नरसंहार में मुख्य आरोपी थे उनको पार्टी से तुरंत निष्कासित करना चाहिए था, पीड़ित परिवारों का दर्द बांटना चाहिए था,
ये ना करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पंजे ने अपने नाखून निकाले और जो जख्म भारतीय जनता पार्टी ने भरने का प्रयास किया उसको खुरेदने का अगर काम किसी ने किया है तो सोनिया गांधी जी ने किया। कोई नहीं भूल सकता है किस तरह से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। कुछ ही समय पहले की बात है, सैम पित्रोदा, जब इनसे सवाल किया गया 1984 के नरसंहार का तो उन्होंने कहा हुआ तो हुआ। ये बात बड़े भारी मन से आज आपके समक्ष रख रहा हूं कि आप इन आरोपियों को दंड नहीं दे पाए, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आज जो आरोपी हैं 1984 के नरसंहार में उनको सम्मानित करने का काम कर रही है। आज जहां भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होकर उनको न्याय सुनिश्चित करा रही है, वहां पे कांग्रेस पार्टी दंगाइयों के साथ, आरोपियों के साथ, समाज के भक्षकों के साथ खड़ी हुई है। और बड़ी पीड़ा से मैं कहता हूं, अगर सोनिया गांधी जी ने एक बार दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा होता जिसमें सज्जन कुमार, जो कि कांग्रेस के एक सांसद भी रहे, एक वरिष्ठ नेता माने जाते थे, पढ़ा होता तो सोनिया गांधी जी के हाथ कांप जाते स्वीकृति देने से पहले। उनके मन में पीड़ा होती जो आज हर व्यक्ति को हो रही है। ये किस तरह की राजनीति है, हमने देखा कि राजनीतिक गिद्ध जो कि गांधी परिवार से हैं, एक दुखद घटना हुई लखीमपुर में, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, राजनीतिक गिद्ध वहां पहुंच गए थे। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कभी कोई कमी गांधी परिवार ने नहीं करी, लेकिन आज राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा गांधी जी से यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी से भी यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जगदीश टाइटलर को यह बड़ा सम्मान देना, राजनीति की मुख्य धारा से जोड़े रखना, सोनिया गांधी जी द्वारा संरक्षण देना क्या उचित है। अभी तमाम मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से पुनः खोले गए और चल रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी यह संदेश नहीं देना चाह रही कि जगदीश टाइटलर तुम चिंता ना करना, गांधी परिवार की ताकत तुम्हारे पीछे खड़ी है। जो तमाम गवाह हैं वो बिना डरे अपना बयान देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एक बड़े राजनीतिक दल की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? और ये सवाल बार बार कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए और हम पूछते रहेंगे। जिनको जेल की सलाखों के पीछे करने की जिम्मेदारी आपकी थी, क्यों 3 दशक लग गए,
कि उनको जेल की सलाखों के पीछे आप नहीं डाल पाए और सज्जन कुमार को सजा हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से हुई। क्यों उनको मंच देके सम्मानित किया जाता है? इससे पहले भी हुआ है कि राहुल गांधी एक उपवास का ढोंग करने जाते हैं तो वहां पे 1984 के दंगों के आरोपी दिखाई देते हैं। और अब जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ये सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जरूर पढ़ना चाहिए। ये वो जजमेंट है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 दिसंबर में दिया, और जो अंश मैं इसके पढ़ूंगा ये दर्शाएगा कि किस तरह से जहां इंसाफ मिलना चाहिए था वहां पे कांग्रेस पार्टी खुद आरोपियों को बचा रही थी और पीड़ित परिवारों का दर्द समझने में पूरी तरह विफल रही। द जजमेंट सेज फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन द मॉर्निंग ऑफ 31st of October 1984, अ कम्युनल फ्रेंजी वॉज अनलीस्ड 4 days between 1st and 4th November of that year, all over Delhi, 2,733 Sikhs were brutally murdered. 2,733. Their houses were destroyed. In the rest of the country too, thousands of Sikhs were killed. And then it goes on to say, 6 accused, including Sajjan Kumar, a Congress leader who was a member of parliament at that time. He is mentioned in the judgment. And then it becomes very important to read this part of the judgment where Jagdish Titler's role has been discussed. It would not be out of place to mention that it was the commitment of the Bharatiya Janata Party to ensure that justice is delivered to these families of the victims. And Nanavati Commission was constituted, which gave a report clearly stating that as per the account of the witnesses, and he goes on to name Jagdish Titler, Sajjan Kumar, now this para is 48. Is it not a relevant question today that when trials are still going on in other cases, Jagdish Titler has been named in the commission's report? And the ideology of the Congress today is that protect the perpetrators of crime. Para 89, I am reading Jagdish Titler ka zikr kaise aata hai aur ye bada avashyak hai. Jab अधिवक्ता ने अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखी तो उन्होंने ये उदाहरण दिया और देखिए कि किस तरह से कांग्रेस का चरित्र ये रहा है कि वो संरक्षण दे रहे हैं इन लोगों को। जस्टिस नानावती कमीशन रिकमेंडेड दी रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस अगेंस्ट एक्यूज्ड वन विच इज सज्जन कुमार एंड अनदर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी जगदीश टाइटलर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम was the Congress party informed parliament that it had rejected said recommendation of the Justice Nanavati Commission.
And then it goes on to say that the opposition stalled the proceedings for 3 days to ask for justice for the families of the victim, for the Sikh families. And it is only after this opposition's opposition for a just cause that the government had to take remedial steps. इसी में एक बात और बड़ी अहम आती है जो कंक्लूजन में है और मैं पढ़ूंगा नहीं बस आपके समक्ष रख दूंगा कि उसके मुख्य बिंदु क्या है. एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, फ्री फॉर ऑल टर्म यूज किया है, कोई भी आए सिख समाज के व्यक्ति को मारे उसको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और उसके बाद उनकी दुकानें लूटी जाएंगी, मां और बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा. यह बिल्कुल साफ लिखा है और इस लाइन में सब कुछ आ जाता है. द क्रिमिनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास क्राइम्स हैव एंजॉयड पॉलिटिकल पेट्रनेज एंड मैनेज टू इवेड प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट. ये सभी तथ्य रखने के बाद मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने पहले कहा कि नानावती कमीशन बनाया जिससे कि सत्य सामने आए. जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि इंसाफ सिख परिवारों को मिलना जरूरी है हमारे लोकतंत्र में, तो उन्होंने भी सुनिश्चित किया कि एक कमेटी बने. उस कमेटी की रिपोर्ट आई और सर्वोच्च न्यायालय ने, अगर सही याद है, जनवरी 2018 में एक कमेटी का गठन किया कि ये जो फर्जी तरीके से तमाम मुकदमों को बंद कर दिया गया है इनमें पुनः जांच हो. और उसी का नतीजा है कि 17 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार जो सांसद रहे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई, जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने और आज तक ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा ढांचा है, अध्यक्षा है, गांधी परिवार है, इनमें होड़ लगी हुई है कि किस तरह से आरोपी व्यक्तियों को बचाया जाए और सच बाहर ना आए. भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि जब तक इन सभी सिख परिवारों को एक एक मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता है, हम लोग ये मुहिम जारी रखेंगे और सभी परिवारों को इंसाफ दिला के ये सिद्ध करना है कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी चाहे जितनी ताकत क्यों ना लगा दे, लेकिन वो किसी भी परिवार को इंसाफ मिलने से रोक नहीं पाएगी. धन्यवाद. कोई प्रश्न हो? पहले एक रिक्वेस्ट कर लूं, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अगर कोई सवाल हो तो मैं चाहूंगा कि पहले उसका उत्तर दे दूं, फिर कोई और सवाल होगा तो जरूर उसकी बात की जाएगी. कोई सवाल इस विषय पे अगर किसी का हो. देखिए, ऐसा है कि इसको अगर आप चुनावी मुद्दा मान के उठाएंगे तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी उन परिवारों के साथ
जो 37 वर्षों के बाद भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनके परिजन की हत्या की गई, महिला के साथ दुराचार किया गया और उन लोगों की आस्था कानून और लोकतंत्र में है तो उनको इंसाफ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को एक बहुत अहम मुद्दा मानती है और जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, उनसे यह सवाल जरूर जाके पूछिएगा कि लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास इमरजेंसी से लेके ये जो जगदीश टाइटलर की नियुक्ति की गई है ये तो कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यह सुनिश्चित करेगा कि हर पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। और हां, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी से यह सवाल जरूर पूछेगा कि क्या वो इस अपॉइंटमेंट से सहमत हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी सिंगू बॉर्डर पर जब एक दलित सिख की हत्या कर दी जाती है तो चुप्पी साध लेती है, तो ये सारे सवाल आज बड़े महत्वपूर्ण हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम इन सवालों को उठाएं और यही हमारा प्रयास है कि इस पे भारत का सजग मीडिया मजबूती से प्रश्न पूछेगा और उत्तर लेगा कि आपको उन पीड़ित परिवारों की सिसकियां, उन बहनों और माताओं के आंसू क्यों नहीं दिखाई देते। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जिनको आप बड़ा कह देते हैं वो अपने कृत्यों से, अपने वक्तव्यों से बड़े नहीं होते हैं। उनको ये जानने की आवश्यकता है कि बॉलीवुड जो है वो कोई नवाब मलिक जी द्वारा बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन या टर्म नहीं है, और जब वो यूपीवुड कह देते हैं तो इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों का और उत्तर प्रदेश का भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। और नवाब मलिक जी से यह भी कह दीजिएगा कि शायद अगर मेरी जानकारी सही है तो एक अभियुक्त जो 9 महीने जेल में रहा है एक ड्रग मामले में, वो उसके रिश्तेदार भी लगते हैं। तो इस तरह के वक्तव्य देना किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए उचित नहीं। देखिए, मैंने इस बात को पहले ही उजागर करके उठाया भी है, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप जाती हैं, लेकिन अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया एक दलित सिख का, वहां पे तो ऐसा नहीं दिखा कि कोई भी गांधी परिवार का सदस्य, जाना तो दूर की बात है, संवेदनाएं भी व्यक्त कर देता। राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, इस मामले को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं, क्या कोई भी कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता उस पर बयान दे पाया? और जहां तक किसानों की बात है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि भारत का किसान हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, और जो पिछले 7 वर्षों से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो पिछले कांग्रेस 55 साल सत्ता में रही उस
55 साल के समय अवधि में भी नहीं कर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सब आए, आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दा हमने उठाया है उसको आप पुरजोर तरीके से उठाएं। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।